साल का सबसे बड़ा सियासी समर। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। ये लड़ाई ममता दादी को खड़ा करने की नहीं, ये लड़ाई हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई। पांच राज्यों में चुनाव का शंखनाद। भाजपा और तृणमूल हारेगा, क्या बोलिए, जोर से वोट पड़ेगा कि नहीं? क्या बंगाल में दीदी को रोक पाएगी बीजेपी? असम में एनडीए टूटने से बीजेपी का क्या होगा? तमिलनाडु में किसकी होगी नींद खराब? Fall asleep at night in 30 seconds. How long does it take the Chief Minister of Tamil Nadu to fall asleep at? केरल पुदुचेरी पर कौन करेगा राज? इस छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल, 2 मई का विजेता कौन? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही कि 2 मई का विजेता कौन होगा। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सर्वे एजेंसी सी वोटर के साथ मिलकर जनता का मूड समझने का प्रयास किया। हमने सभी 5 चुनावी राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर 70,608 लोगों से बात की। इस ओपिनियन पोल में क्या निकला, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। और शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल से। तो पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल आपके सामने, कुल सीट 294 और वोटों के प्रतिशत के लिहाज से इस सर्वे के नतीजे ये कि टीएमसी के खाते में 43% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के पास 38%, कांग्रेस प्लस लेफ्ट 13% और अन्य के खाते में 6% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। कुल 294 सीटों का यह अनुमान। तो पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल में अगर हम सीटों में इसे कन्वर्ट कर दें, इस वोट प्रतिशत को, तो टीएमसी 148 से 164 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 92 से 108, कांग्रेस प्लस लेफ्ट 31 से 39। और आइए इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद। जितेंद्र तिवारी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास मैं आ रहा हूं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो आप लोगों का दावा है सत्ता हासिल करने का, उसमें आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ओपिनियन पोल का अपना तरीका है, मैं ओपिनियन पोल के अपना जो तकनीक है तरीका है मैं उसका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के बहुत सारे पोल जो है वो सही भी साबित हुए और बहुत सारे पोल्स में जो है जो आपने प्रिडिक्ट किया उसके अतिरिक्त भी चुनाव परिणाम आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटों पर विजय का जनादेश हासिल होगा। आप अभी जो 100 सीटों का लगभग 100 सीटें 92 से 108 के बीच में आप सीटें दे रहे हैं, 92 से 108 सीटों का आपका जो ओपिनियन पोल में जो सीटें दी जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए चुनौती है कि अब आपके ओपिनियन पोल 92 से 108 जो आपने दिया है परिणाम, इसको 200 से पार पहुंचाने के लिए अहर्निश परिश्रम करके जनता को अपने मुद्दों को समझाकर और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनादेश का लहर उत्पन्न करना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां परिवर्तन, ठीक है, सोनार बांग्ला बनाने के लिए परिवर्तन। मैं आता हूं मुद्दों पर भी आता हूं, लेकिन अब जरा मैं पहले एक कमेंट सबसे ले लूं। जितेंद्र तिवारी जी, आप टीएमसी के नेता हैं, जरा ये बताइए, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तो आप लोग सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में सीटें कम हो रही हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला कर रहे हैं कि ये नहीं होने वाला है, इस ओपिनियन पोल को वो खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी सत्ता में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और प्रचार जब और चरम पर पहुंचेगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में कोई चेहरा जनता के सामने नहीं रखती है,
इसका खामियाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। अभी तक तो ये जो रिपोर्ट है, ये प्रधानमंत्री जी को बंगाल में अपना चेहरा बनाकर जनता के सामने अभी तक लाभ, उसको देकर ही जनता ने ये जो सी वोटर का जो भी ओपिनियन पोल है ये अभी तक आया है। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में रहेंगे, वो कलकत्ता नहीं आ सकते, उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस चेहरे को लाकर इनकी ये अवस्था है, पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली नहीं रहेंगे, वो कलकत्ता नहीं आ पाएंगे, कलकत्ता के लिए तो इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, तब ये इनके जो आंकड़े हैं ये और कम होंगे और ये 109 का नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपके आंकड़े भी तो कम हो रहे हैं पिछली बार की तुलना में, इसका मतलब है कि जनता को आपका वहां कामकाज पसंद नहीं आया है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 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 जो हमारे कैंडिडेट का लिस्ट आप जारी होने दें, हम स्वच्छ इमेज के कैंडिडेट को जनता के सामने जब लाएंगे और उन्हें उनका उनके उनके व्यक्तिगत इमेज पर भी जब हर केंद्रों में आप उसके लिए स्वच्छ कैंडिडेट को चुनने के लिए कहीं बहुत मेहनत ना करनी पड़ जाए। जितेंद्र जी, जिस तरीके से सीबीआई की टीम अब घूम रही है पश्चिम बंगाल में, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आलोक शर्मा जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपका जो गठबंधन है वो कहां है, वो तो बहुत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए मुझे लगता है अखिलेश जी, रिजल्ट तो 2 तारीख को आएंगे ही और उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज हम भारतीय लोकतंत्र में अगर कोई चुनाव है तो उस पर मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए और क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बीजेपी केवल और केवल धार्मिक भावनाओं को, जय श्री राम के नारों को लेकर और तमाम इस तरह की चीज़ों को लेकर चल रही है, वहाँ पर बीजेपी ग्राउंड में कहीं पर भी नहीं है। मैं अभी 6-7 दिन वेस्ट बंगाल में लगा कर आया हूँ, अब यहाँ प्रेम शुक्ला भाई मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ में से कितनी वेस्ट बंगाल में बनी है जरा बता के जाइएगा, एक एयरपोर्ट का नाम बता के जाइएगा कि जिसके अंदर जो मोदी जी ने नींव रखी हो और उस पर हवाई जहाज उड़ने लगा हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो उसमें से उसमें मोदी जी ने नींव रखी हो और बच्चे पढ़ने लगे हों, कितने घुसपैठी और कितने रोहिंग्या मुसलमान इन्होंने, क्योंकि वो केंद्र सरकार का काम है, वापस भेजे हैं। अरे भाई, आपसे तो वेस्ट बंगाल में एक सेंट्रल स्कूल तक नहीं खुला, एक नवोदय विद्यालय तक नहीं खुला, आप केवल और केवल धार्मिक मुद्दों को वहाँ पर भड़काते हैं। अभी उन्होंने प्रेम शुक्ला साहब ने क्लियरली कहा कि हम अपने मुद्दों पर लेकर आएंगे। जहाँ तक बात है, अभी इनके एक नेता का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे पूछा गया हाउ इज़ द जोश, तो उन्होंने कहा जोश तूफान की तरह। अरे भाई, तूफान तो विनाशक होता है, कि ममता जी जा रही हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अभी मोदी जी कलकत्ता कब आ रहे हैं, क्या सीएम बनने के लिए आ रहे हैं, तो झूठ की मशीन जो है वो चालू हो गई है। आज मुख्य मुद्दा ये है कि अगर ममता बनर्जी जी ने काम किया है तो जनता वोट देगी, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो नहीं देगी। हमने जो जो काम किए थे हमने उनके आधार पर वोट मांगा। 2010 साल पहले सही 2011 में भी हमें ममता बनर्जी के साथ थे, तो एक बात बताइए ना आलोक जी, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि जब आपको लग रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, अंतिम बात ममता बनर्जी, अखिलेश भाई अंतिम बात कहना चाहूंगा, जल्दी से अंतिम बात केवल एक कहना चाहूंगा मैं कि आज आप ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल की हालत जो है वो सब पूरा देश देख रहा है। यही एबीपी न्यूज़ था, 1 साल पहले 1.5 साल पहले हरियाणा का ओपिनियन पोल आया था और 90 में से 83 सीटें आप लोगों ने 83 दिखाई थी और कांग्रेस को 0 से 3 दिखाई थी, यही एबीपी न्यूज़ था। मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है, कौन कैंडिडेट, आप आलोक शर्मा सही हैं, आप सही हैं कि कई ओपिनियन पोल गलत भी साबित होते हैं, लेकिन कई ओपिनियन पोल बहुत सच और सही सटीक साबित भी होते रहे हैं। बहरहाल एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं एक सवाल के साथ, उसके बाद मैं आमिर हैदर जैदी जी के पास जाऊंगा, सीपीआई के नेता हैं, उनके लिए ये तस्वीर अच्छी है लेकिन आपके लिए नहीं हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिगेड मैदान की है, आज यहां पर रैली थी लेफ्ट की और कांग्रेस की और ये मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा नजर आ रहा था। प्रेम शुक्ला जी, ये तो अच्छी बात है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, वरना आदरणीय आलोक शर्मा जी की बातचीत से तो यही लग रहा था मुकाबला ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, मतलब ही है। त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा अभी, तो आपका अभी, काम अभी, आसान हो जाएगा, टीएमसी का वोट बढ़ जाएगा। अभी 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 आलोक जी इतनी देर बात की है, 1.5 मिनट एक 1.5 मिनट बातचीत में उन्होंने ये थोड़े कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट भी फाइट में है, वो ये बता रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चला जाएगा। तो मैं इसका जवाब लेता हूं ना, जो आप कह रहे हैं आमिर हैदर जैदी जी, आमिर हैदर जैदी जी, आप लोग क्या बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं? हम न किसी का नुकसान कर रहे हैं न किसी का फायदा कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं।
क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय के भारत की जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी कि उसने देश के सारी कंपनियों को बेचकर अपने बीजेपी के हाईटेक दफ्तर बनाए इसलिए वोट करेगी? क्या बीजेपी देश की जनता इसलिए बीजेपी को वोट करेगी जब मजदूर पलायन कर रहे थे, ये मशरूम की रोटी खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, घंटी बजवा रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता इसलिए वोट करेगी कि किसान कहना चाहिए दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठकर त्राई मांग कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है, ये उसे कभी नक्सलवादी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं? देश की जनता के बीजेपी को इसलिए वोट करेगी कि मिनिमम वेज की गारंटी बीजेपी ने खत्म कर दी? देश की जनता ये तो तमाम मुद्दे हो गए। आमिर हैदर जैदी जी का बंटा था, आमिर हैदर जैदी जी, अरे जनाब सुन तो लीजिए, ये तो सारे मुद्दे हो गए, मैं इस पर जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता कंफ्यूज नहीं होगी इस बात को लेकर कि यहां तो लेफ्ट और कांग्रेस साथ हैं और केरल में एक दूसरे से चुनाव खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, मतलबी गठबंधन ना समझ ले लोग। देखिए ये एक आप नहीं सुन लीजिए, क्या कांग्रेस और लेफ्ट कभी एक साथ नहीं आए? सवाल तो इनसे पूछना चाहिए बीजेपी से, जितने अलगाववादी संगठन सब बीजेपी के साथ मौजूद हैं चुनाव के अंदर, उसके बाद इनसे आप सवाल नहीं पूछते हैं। कांग्रेस अगर लेफ्ट का गठबंधन होने जा रहा है या हुआ है तो उस पे सवाल किस बात के पूछते हैं? सवाल अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों ना सवाल पूछे जाए, केरल में क्या गठबंधन करेंगे आप? सुनिए, केरल में करेंगे, मैं सवाल पूछूंगा बीजेपी से भी, बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, जवाबदेही आपकी भी है। सुन लीजिए, जब केरल का चुनाव होगा तो केरल पे जवाब देंगे, लेकिन अभी बंगाल पे बात चुनाव हो रहा है वहां पर, भूल क्या लगता है बीजेपी और टीएमसी से चुनाव वहां भी हो रहा है जैदी साहब। अरे आप अरे मैं उस पे भी जब आप बंगाल पे बहस कर रहे हैं या केरल पे कर रहे हैं, या बीच में एक शब्द बोलने देंगे? नहीं नहीं, तो आपने आप गलत जानकारी तो मत दीजिए, आप कह रहे हैं केरल में जब चुनाव होगा तब बात कर लेंगे, तो मैंने आपको बस दुरुस्त किया कि केरल में भी चुनाव हो रहा है, बस बाकी अपनी बात रखिए। तो केरल पे आप केरल पे बात करेंगे तो केरल पे ही बात करेंगे, बंगाल पे बात कर रहे हैं। क्या बंगाल की जनता गैंगवार को वोट देगी कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी को मार दिया, बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी के पत्थर मार दिया? क्या बंगाल की जनता इस पे वोट करेगी? इस पे तो वोट तिवारी जवाब दीजिए, बंगाल आप पर भी आरोप यही है, गैंगवार का आरोप, क्या बीजेपी वाले टीएमसी को मार दें, टीएमसी वाले बीजेपी को, इसलिए जनता वोट करेगी? जितेंद्र तिवारी देखिए ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, ये कमरे के बाहर कुश्ती और कमरे के अंदर दोस्ती, इनका पूरा का पैकेज है, पूरा पैकेज अमित शाह जी ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी को कौन सा रोल, आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए, इतना उत्तेजित क्यों होते हैं? सारी क्रांति आपके टीवी के पर्दे पर रहती है, मैदान में भी क्रांति करते तो आप नहीं, दस साल पहले तो आप दुर्गा के अवतार थी ममता बनर्जी, आप मुझे बोलने, सारी क्रांति आपके टीवी के पर्दे पर रहती है, मैदान में आपको दिखाई भी नहीं देता। नहीं नहीं, मैदान में दिखा है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं जितेंद्र तिवारी जी, ब्रिगेड मैदान में आज भीड़ थी, आपकी चिंता बढ़ सकती है इससे। प्रेम शुक्ला जी गदगद है, मुस्कुरा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा पैकेज अमित शाह जी ने डिजाइन किया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कैसे चलना है, कांग्रेस को कैसे चलना है, सीपीएम को कैसे चलना है, ये तृणमूल कांग्रेस को ओ, मतलब सीपीएम को कैसे चलना है, ये भी अमित शाह डिसाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही डिसाइड कर रहे हैं। ऐसी बातें तो ना बोलिए जो हास्यास्पद लगे। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले देखिए असम का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल 126 सीटों में जब वोट प्रतिशत के हिसाब से ये सर्वे किया गया तो नतीजा ये निकला कि बीजेपी प्लस के खाते में 42%, कांग्रेस प्लस के खाते में 31% और अन्य के खाते में 27% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक। इसे जब हम सीट में तब्दील कर देंगे तो देखिए क्या होगा, बीजेपी प्लस 68 से 76, कांग्रेस 43 से 51, और इस तरीके से बीजेपी की एक बार फिर से यहां सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि जब बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ बीजेपी वहां पर थी तब का ये सर्वे है। प्रेम शुक्ला जी, इस लिहाज से आपके लिए अब चिंता की बात है क्योंकि आपका वो सहयोगी वहां पर नहीं है। देखिए हमको 80 से अधिक सीटें जो है असम में प्राप्त होंगी, जिस तरह से आपने देखा कि बीच के दिनों में बोडो के क्षेत्र में जो चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई, वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि असम में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लहर चल रही है। नहीं, नहीं, लहर अगर होती एक लहर प्रेम शुक्ला जी, बीपीएफ के साथ होने के बावजूद जब ये स्थिति थी, अब वो आपसे अलग हो गया तो वोट कुछ घटेंगे ही, बढ़ तो नहीं जाएंगे? नहीं, बढ़ जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हमने इसलिए बढ़ जाएंगे, देखिए हमारे हम उनको जो स्थान देने वाले थे
उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ, हमारे कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। प्रत्याशी वोटर तो उनका अपने ही ले आएंगे कि वोटर भी उनके अपने साथ कर लेंगे आप? नहीं, उनके मतदाता हमारी तरफ आ चुके हैं। अच्छा, लाने की क्या बात है, आ चुके हैं हमारी तरफ। आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है कि असम के अंदर क्लियर मेजोरिटी के साथ कांग्रेस का जो महाजोड़ है उसकी सरकार बनेगी। और पिछले अगर 7 साल का इतिहास देखें तो चाहे वो मोदी जी का केंद्र के यहाँ पर रहे हों, चाहे अकाली रहे हों, शिवसेना रहे हों, तमाम लोग, चाहे वो गुजरात के भी छोटे लोग पार्टियाँ रही हों, सब लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। सबको समझ आ रहा है कि बीजेपी जो है क्षेत्रीय दलों का उपयोग करती है, उनके कंधे पर अपना पैर रख के ऊपर चली जाती है। यही कारण है कि तमाम क्षेत्रीय जो दल हैं वो इनको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जहां तक बात है आसाम, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि दरअसल आपके पास अभी अब वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं है आलोक शर्मा जी, और तरुण गोगोई की कमी खलेगी। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तरुण गोगोई जो थे वो आसाम को जिस तरह से समझते थे, जिस तरह से नब्ज़ को समझते थे, मुझे लगता है पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनका एक हमें कमी खलेगी। लेकिन हमारे तमाम वहाँ पर बड़े लीडर्स हैं, उनके बेटे भी हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे पास भ्रष्ट थे और बीजेपी में जाकर वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए बीजेपी जब बार बार कहती थी कि इनसे भ्रष्ट कोई लीडर नहीं है, आज वो इनके स्टार प्रचारक हैं वहाँ पर। मुद्दा ये है आज का कि असम के लिए आपने क्या किया है? क्या ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो पुल बना है वो आप लोगों ने बनाया था? हमारी सरकार ने बनाया, आपने केवल वहाँ पर 2-4 रिबन काटे हैं। वहाँ के सीएम को कभी स्टेटमेंट देते हमने नहीं देखा। वहाँ के सीएम जो हैं वो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इनको याद होगा प्रेम शुक्ला भाई को, वो मंत्रालय आज बंद होने के कगार पर है। जैसी परफॉर्मेंस उनकी यहाँ दिल्ली में थी, वैसी परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पर आसाम में है, और आसाम की जनता बहुत समझदार है। आप पैसे के बल पर कब तक, मीडिया के बल पर कब तक आप वोटों को का ध्रुवीकरण करते रहेंगे? नहीं होगा। अब असली मुद्दों पर आपको प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहेंगे जल्दी से, 20 सेकंड में मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए एक बार फिर से वही बात, आप धन बल पर जीत गए असम, वही आरोप फिर से आलोक शर्मा पर लगा रहे हैं। भाई 70 सालों तक देश को 2G 3G जीजा जी इन सारे माध्यमों से लूटने वाले निर्धन कैसे हो गए ये तो बताएं। निर्धन कैसे हो गए ये तो बता दीजिए। हमने 2 महीने में हमारी सरकार को क्या 200 रुपए हमने गैस के सिलेंडर पर बढ़ा दिए क्या? 200 रुपए सिलेंडर की कीमत हमने बढ़ा दी क्या? पेट्रोल डीजल पर 21 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाकर हमने अपने घर में रख लिया क्या? नहीं, आप बताइए ना प्रेम भाई, आप बताइए। आप जो मुख्य मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आज देश के मन की बात करते हैं, एक काम की बात नहीं करते हैं। अरे किसानों की बात करो ना, बेरोजगारी की बात करो ना, आप क्यों नहीं करते उसके ऊपर बात? चीन की बात कीजिए ना कि भाई चीन हमारे देश के अंदर घुस के बैठ गया है और आप लोग चीन का नाम लेने से डरते हैं। राहुल गांधी की बेरोजगारी दूर। अरे भाई कैसे करेंगे? आलोक शर्मा जी, मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना पड़ेगा। हम फौरन हाजिर होंगे, बात तमिलनाडु की भी होगी, केरल की भी। केरल की अब हम बात कर लेते हैं, और केरल का जो ओपिनियन पोल है देखिए क्या कहता है। कुल सीट 140, वोट प्रतिशत के लिहाज से एलडीएफ आगे है 40% के साथ और यूडीएफ 33% पर, बीजेपी 13% पर। अन्य के खाते में 15% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसे जब हम सीटों में तब्दील कर देंगे तो आंकड़ा क्या हो जाएगा वो अब आप देखिए। एलडीएफ 83 से 91 सीटों पर, इसके अलावा जो दूसरा गठबंधन है यूडीएफ वो 47 से 55, और इस तरीके से एक बार फिर से वामपंथ सरकार वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। केरल में एलडीएफ की वापसी होती हुई दिख रही है, और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, जितेन तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी से, और आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, आपके लिए यहां से अच्छी खबर है, उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी सवाल आपसे इसलिए क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, हर मेहनत के बाद भी तीसरे नंबर पर ही दिख रहे हैं आप केरल में। नहीं ठीक है, हम लगातार प्रयास करेंगे वहां अव्वल होने के लिए, हमारा काम है संघर्ष करते रहना। जिस तरह से एक जमाने में हमने त्रिपुरा में कोई हमारे कैलकुलेट नहीं करता था कि हम लेफ्ट फ्रंट को हरा पाएंगे, वहां 2/3 बहुमत से जीते, एक दिन हम केरल में भी त्रिपुरा जैसा परिणाम जरूर दोहराएंगे, ले आएंगे हम एक बार केरल में भी सरकार। हमारे कार्यकर्ता लगातार वहां संघर्ष कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के इस संघर्ष को, परिश्रम को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आप लोग क्यों पिछड़ रहे हैं वहां पर, जबकि लगातार राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता वहां से सांसद हैं, इन सबके बावजूद क्यों पिछड़ रहे हैं, जबकि केरल में तो सत्ता बदलती रही जो अब तक का रहा वहां पर? मुझे लगता है कि
अखिलेश जी, बिल्कुल मैं विनम्रता के साथ आपका जो ओपिनियन पोल है उसको कहीं ना कहीं नकारता हूँ, क्योंकि केरल का ट्रेंड इस तरह का रहा है कि वहाँ पर बदलाव हमेशा दिखाई दिया है। जहाँ तक बात यूडीएफ की है, यूडीएफ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है और जिस तरह के कुछ पिछले चुनाव में जिस तरह के मुद्दे फ्रेम किए गए थे वो सब मुद्दे अब जनता के सामने आ गए हैं कि सब वो खोखले थे। आज जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं इस ओपिनियन पोल में, एक सबसे बड़ा जो कैच है वो ये है कि 15% आप वोट बैंक अन्य को दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है 15%, और नॉर्मली जो अन्य वाला वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह की है वहाँ पर ग्राउंड पर, मुझे लगता है कि कांग्रेस और यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी तरह से यूडीएफ की सरकार बनेगी, कहीं पर इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि इस सर्वे पर हम बात कर रहे हैं तो आमिर हैदर जैदी जी, आप लोगों के लिए अच्छी खबर इस लिहाज से है चूंकि शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि लेफ्ट एक बार फिर से वापसी कर ले, वहां पर दोबारा आप लोग सरकार में आते दिख रहे हैं, इसका तो आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इसी में वो सवाल मैं जोड़ दूं जो ब्रेक के पहले जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आपने उस पर आपत्ति जाहिर कर दी थी कि पश्चिम बंगाल में साथ लड़ेंगे और यहां एक दूसरे के खिलाफ जनता को कैसे समझाइएगा? देखिए, इसमें मैं आपके ट्रैक में नहीं फंसने वाला हूं, ये तो फैसला करेंगे, मित्रवत भी हम चुनाव फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देश की जनता, अखिलेश जी, देश की जनता जब वोट देने जाएगी तो किचन में जाके सिलेंडर को प्रणाम करेगी, पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगी, उसके बाद वोट डालने जाएगी। तो बीजेपी का क्या 15% केरल के अंदर इसलिए वोट परसेंट भी केरल में बीजेपी को मिलने जा रहा है? ऐसा कतई नहीं है, पूरे देश के अंदर नहीं मिलने जा रहा है। अच्छे दिन वामपंथ के ही आने वाले हैं पूरे देश के अंदर। बिहार के अंदर हम जीरो पर बात कर रहे हैं, वहाँ इनकी गलत है। बिहार के अंदर बात करने लगे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और पूरे देश के अंदर लेफ्ट का जो आएगा, अगर आत्मविश्वास है और आत्मविश्वासी सड़क के ऊपर संघर्ष करने वाला हमेशा आत्मविश्वास नहीं, कंक्रीट अध्ययन करता है। और हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कें बता रही हैं कि अगर देश के अंदर कोई विपक्ष है तो वो कम्युनिस्ट है, और सिर्फ कम्युनिस्ट है, और सिर्फ कम्युनिस्ट है। इसके अलावा देश के अंदर नाराज हो जाएंगे आपके सहयोगी, फिर तो आप देश की बात करेंगे। आलोक शर्मा जी बैठे हुए हैं यहीं पर इसी पैनल में, आप सिर्फ कम्युनिस्ट को कह रहे हैं, विपक्ष, आलोक जी भी विपक्ष में है। आलोक शर्मा जी मेरे भाई, अखिलेश जी उनको पूरा अधिकार है कहने का, कांग्रेस तो संसद के अंदर विपक्ष है, तो देश देख रहा है। लेकिन सड़क के ऊपर, लेकिन सड़क के ऊपर अगर विपक्ष कोई नजर आता है, देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हो, कम्युनिस्ट पार्टी सफे अव्वल में आकर विरोध सरकार का दर्ज कर रही है। अच्छा जितेंद्र तिवारी जी, आलोक शर्मा जी, अब मैं पश्चिम बंगाल जरा लौट जाता हूँ केरल से, जरा मुझे ये बताइए कि क्या वजह है वहां पर कि आप लोगों की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक प्रदर्शन करते नजर नहीं आ रहे? मैं इस सर्वे पे ही फिलहाल बात कर रहा हूं, और जो सर्वे पिछले दिनों में हुआ उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। कहां पर आप लोगों को नुकसान हो रहा है? कुछ आत्ममंथन कर रहे हैं क्या? करप्शन के जो आरोप लगे उसका नुकसान हो रहा है, या फिर आपके पुराने लेफ्टिनेंट सब जा रहे हैं पार्टी से उसका नुकसान हो रहा है? हम उस पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे उम्मीदवार के लिस्ट घोषित हो जाए और चुनाव का प्रचार अपने तर्ज पर पहुंच जाए, फिर आप देखिए कि चूंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा नहीं दे पाई, बंगाल में उन्हें कौन लीड करेगा ये बंगाल की जनता को नहीं बताई। ममता बनर्जी के मुकाबले उनके पास कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो साप्ताहिक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोमवार पे अलग व्यक्ति, मंगलवार अलग, बुधवार अलग, तो इसका लाभ हमको मिलेगा। और आने वाले दिनों में क्या आपके प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाहेंगे? हमारी जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग साप्ताहिक मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास ममता बनर्जी के सामने। देखिए देखिए, इसी तरह का सवाल जो है अखिलेश सिंह यादव 2017 के पहले उत्तर प्रदेश से पूछा करते थे, 2014 के पहले यही सवाल कांग्रेस और शरद पवार के लोग महाराष्ट्र में पूछते थे, यही सवाल तो आप डिक्लेयर करके लड़ते ना, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते अगर आपको लगता है कि चेहरा बहुत मजबूत था तो। नहीं नहीं, आप खट्टर साहब का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर पाए। प्रेम शुक्ला जी, आप खट्टर जी का चेहरा, अरे भाई आप खट्टर जी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ते ना, किसी ने मना किया था आपको? नहीं, आप प्रेम शुक्ला जी आप बताइए ना, आपने क्या योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा सामने रखकर आप चुनाव लड़े थे क्या? क्या आप खट्टर जी का चुनाव चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े थे क्या? क्या आप महबूबा मुफ्ती का चेहरा सामने रखकर इनको सीएम बनाएंगे तब चुनाव लड़ा था क्या आपने? अरे भाई बताइए ना, आप पहले जम्मू कश्मीर की जनता को कहते कि हमें महबूबा मुफ्ती के साथ हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, तो कश्मीरी पंडित आपको वोट दे देते, भर भर के वोट देते आपको पूरा।
मुझे लगता है कि बीजेपी हमेशा से देश की जनता को बरगलाती है। पीडीपी को चुनाव से पहले गालियां देते हैं और फिर उनके साथ जाके बैठ के चुनाव उनको मंत्री बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बना लेते हैं। नहीं, आप बताइए ना भाई, कांग्रेस से आपको क्यों दिक्कत है? वेस्ट बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं, केरल में हम सरकार बना रहे हैं इस बार, और तमिलनाडु में, पुदुचेरी में भी सरकार बना रहे हैं। आप लोगों का सूपड़ा साफ करेंगे हम। आज पांच स्टेटों की जिनकी चर्चा हो रही है प्रेम शुक्ला जी, पांच के पांचों में कांग्रेस के नेतृत्व में चेहरा इतना इंपॉर्टेंट है क्या? आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के आलोक शर्मा जी, जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, क्या चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ना इतना महत्वपूर्ण है कि आपको भी लगने लगा है? आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे, मैं समझता हूं कि हर पार्टी की अपनी रणनीति है, लेकिन ये कहना कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर हम चुनाव लड़े हैं तो गलत है ना। क्या पीडीपी के चेहरे के नाम पर ये चुनाव लड़े थे क्या जम्मू कश्मीर में? आप कह सकते हैं, प्रेम शुक्ला जी कह सकते हैं कि बीजेपी की हमारी रणनीति है, लेकिन ये कहना कि हम अपने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, ये तो गलत है। वो कह रहे हैं गठबंधन करेंगे के चेहरे पर चुनाव लड़े थे क्या आलोक शर्मा जी? क्या इनको वोट मिल जाती है? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि क्या आप उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में, सत्ता में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़े थे। उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो चुनाव लड़े और जो वहां पर गवर्नर ने दो घंटे चार घंटे की सरकार बनवाई, वो विषय है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं सरकार तो पहले वहां पर बीजेपी की बनी, उनके पास रिक्विजिट नंबर नहीं था, तो ये लोग वहां से हट गए पीछे। आपको याद होगा ना, रात के अंधेरे में चुपचाप एक मीडिया चैनल को बुलाकर वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा एक सवाल है, एक मिनट, कहां कैसे मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल के साथ मैं रुक रहा हूं, इसका तो छोटे में जवाब दीजिएगा। आलोक शर्मा जी, ना केरल को पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक मिनट सर, मुद्दों पे बात कर लेते हैं, आपस में नहीं उलझते हैं। सुन लीजिए ना आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, सर सुन लीजिए एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, बाकी मेहमान भी है उन्हें भी बोलना है, एक मिनट सुन लीजिए। एक और सवाल हमने पूछा था पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कि वहां पर क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है। जब किसानों के बारे में सवाल पूछा गया किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, सिर्फ 3% लोग कह रहे थे कि उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रेम शुक्ला जी, इसे तो आप लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बनाया पश्चिम बंगाल में, इस बहाने ममता बनर्जी पर खूब हमला किया, लेकिन जनता उसे बड़ा मुद्दा नहीं मान रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब तमिलनाडु की बात कर लें तो देखिए, कुल यहां 234 सीटों पर बीजेपी प्लस ये जो गठबंधन है इसे 29% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्लस की बात की जाए तो 41% और अन्य के खाते में 30% वोट यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वोट प्रतिशत के लिहाज से हमने बात की, इसे जब आप सीटों में तब्दील कर देंगे तो देखिए क्या होगा। बीजेपी प्लस 58 से 66 और उसके बाद जो दूसरा वाला गठबंधन है वहां पर क्या होगा, कांग्रेस प्लस 154 से 162, यानी इस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। राहुल गांधी दनादन वहां पर प्रचार कर रहे हैं इन दिनों तमिलनाडु में, आज भी हैं, और किस तरीके से आज उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है वो आपको सुनवाते हैं। आई फॉल स्लीप एट नाइट इन 30 seconds, आई फॉल स्लीप एट नाइट इन 30 seconds बिकॉज आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ मिस्टर मोदी। நான் மோடி அவர்களை பத்தி பயப்படவில்லை. Now I want to ask you a question. நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். How long does it take the chief minister of Tamil Nadu to fall asleep at night? He cannot sleep at night. அவர் இரவு நேரங்களில் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. Because he is not honest. ஏனென்று சொன்னால் அவர் நேர்மையானவர் அல்ல. And because he is not honest, he cannot stand up against Narendra Modi. அவர் நேர்மையற்றவராக. And Mr. Narendra Modi thinks that he can control the people of Tamil Nadu because the chief minister of Tamil Nadu is corrupt. Prem Shukla ji, Rahul Gandhi sirf 30 second mein so jate hain kyunki Pradhan Mantri Modi se unhe dar nahi lagta, baki log darte hain isliye bahut der se neend aati hai, khas taur par Tamil Nadu ke CM. Dekhiye agar is par agar commercial banaya jayega to uska jo slogan hoga dar ke aage neend hai. Ab kya bacha bhai, aapko jo hai Lok Sabha chunav jeetenge nahi, rajya bache nahi, दक्षिण से साफ है, और आपकी स्थिति ये है शर्मा जी, कि आप पुदुचेरी जाते डर के आगे नींद है। प्रेम शुक्ला ने आपको एक नई बात आज कह दी है, आपके मुख के सामने ही डर के आगे नींद है। आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे लगता है कि तमिलनाडु नहीं डर के आगे भी और पीछे भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट है। आप बताइए शशिकला को जमानत किस बेस पे मिली है, क्या डील हुई है? 5000 गाड़ियों का काफिला जो गया है बीजेपी के झंडे लगा के शशिकला का स्वागत करता हुआ, जिसको हमने जेल में डाला था और सबसे भ्रष्टाचारी एक महिला थी वो, मुझे बताइए बीजेपी की डील क्या हुई है चुनाव से 2 महीने पहले, किस तरह से किस आधार पर हो गया?
कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हाँ, यही बड़ा सवाल है उन पांच राज्यों के लिए जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया और पुदुचेरी का ओपिनियन पोल क्या कहता है, कुल 30 सीटों में से बीजेपी प्लस के खाते में 17 से 21 सीटें और दूसरे गठबंधन की बात की जाए यानी कांग्रेस वाले खेमे की बात की जाए तो 8 से 12 सीटें यानी बीजेपी यहां सत्ता में आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है फिलहाल इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और अमित शाह जब यहां प्रचार के लिए पहुंचे क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा आप सुन लीजिए। यहां पर मेरिट का स्थान नहीं है, मैं पुदुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवायम के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है इसको मेरिट मानकर नारायण स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। आलोक शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे, आप लोगों पर बड़ा आरोप लगा दिया अमित शाह ने यह कहते हुए कि जनता के साथ धोखा किया आप लोगों ने, जो गांधी परिवार के पैर छूता है वो सीएम बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई मुद्दा ना हो तो इसी तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि तीन जो नॉमिनेटेड मेंबर थे पुदुचेरी की विधानसभा में वो किसने नॉमिनेट किए और क्यों नॉमिनेट किए, उनको वोटिंग राइट्स किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट में आज तक भी पूरा मामला पेंडिंग क्यों है, एक महीने पहले चुनाव से सरकार क्यों गिराई गई ताकि पूरा कंट्रोल करके तमाम अधिकारियों को कंट्रोल करके आप चुनाव लड़वा सकें। जल्दी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी जवाब देना चाहेंगे प्रेम शुक्ला जी। किरण बेदी को क्यों हटा दिया गया, रातों रात हटाने का कारण क्या था? किरण बेदी को आज पुदुचेरी की जनता ये जानना चाहती है कि किरण बेदी को रातों रात क्यों हटाया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक नहीं? आलोक शर्मा कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रहे हैं। पश्चिम से भी साफ, कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है। अरे भाई, आप विधायकों को खरीद रहे हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए साफ साफ कह रहा है कि गुरु स्वामी कौन है मोदी जी का नजदीकी जो पैसे की ऑफर देता घूम रहा था वहां पर। मैं नेशनल चैनल पर इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए ना उसका। भाई, आप गांधी फैमिली और वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। आप ये बताइए कि पुदुचेरी की जनता ये जानना चाहती है कि किरण बेदी जो बीजेपी के कार्यालय की तरह काम करती रही उनको अंतिम क्षणों में क्यों हटा दिया गया, एक महीने पहले किरण बेदी को क्यों हटाया गया, इसका उत्तर आप लोगों के पास नहीं? अरे भाई, पुदुचेरी के लिए मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में एक भी कोई योजना जब तक कांग्रेस की वहां पर सरकार थी उसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं किया? मेरे पास समय इतना ही है, गिर गई है। शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, जैदी साहब, माफी चाहूंगा जैदी साहब, वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपके पास भी आता। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ओपिनियन पोल पर जो हम बातचीत कर रहे थे इस खास पेशकश में, फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।